भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए, तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। बजट पूर्वरु प्रधानमंत्री को संबोधन 60 वर्ष रे प्रथम थर लगातार तृतीय थर क्षमतासीन होईछि। कोनसे सरकार दल पाई नुहे, देश पाई लड़ीबा को सांसद को मोदी को आह्वान। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। मंगलवार संसद में उपस्थापित होब मोदी सरकार का तृतीय पाली प्रथम बजट जहाँ ऊपर रही पूरा देशवासी नजर। यह पूर्व संसद परिसर देशवासी को संबोधन कर देशवासी आगे बजेट्र आभिमुख्य रखिंट पीएम मोदी कहते दीर्घ 60 वर्ष पर प्रथम थर कौन सरकार लगातार तृतीय थर क्षमता को फेरी तृतीय पाली प्रथम बजेट आणवार सौभाग्य मिली। यह भारतीय गणतंत्र गौरवमय जात्रार प्रमाण। भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। बजेट अधिवेशन पूर्वरु पीएम मोदी निज ढंग से विरोधी को देइछंती आह्वान। ए बजेट अधिवेशन सकारात्मक हो, सृजनमूलक हो एवं देशवासी को स्वप्नर मूलद्वा को मजबूत करने भली हो। एमती कही संसद में विरोधी विशृंखलित आचरण को टार्गेट कर पीएम मोदी। प्रथम और द्वितीय पाली में जो भाई विरोधी होहाल्ला कर किभली गृह चलाई देते देखिता पूरा देश आ तृतीय पाली प्रथम अधिवेशन रे से भाई आचरण परिवर्तन देश गठन लगी सकारात्मक चर्चा करने को आह्वान देते मोदी। सावन का पहला सोमवार है, इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4-4.5 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। निर्मला सीतारामन जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार का बजट कल लोकसभा में पेश करेगी और ये बजट जो है बजट 1 से 40 करोड़ लोगों को सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक न्याय देने वाला बजट होगा। इस बजट में डेवलपमेंट के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा पैसा देने का ऐलान जरूर उसमें हो जाएगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, जो भी जाति धर्म के लोग है वो सभी लोगों को न्याय देने की भूमिका उस बजट में होगी।
2047 को लक्ष्य रखी प्रस्तुत सरी विकसित भारत ब्लू प्रिंट यह बजेट रे जहार मूलधुआ पड़ मोदी ग्यारंटी को तृणमूल स्तर में पहुंचाइबा लक्ष्य सह ए बजेट प्रस्तुत होता कहते प्रधानमंत्री जहाँ आगामी पांच वर्ष धरी सरकार लोकाभिमुख कार्य को दिग देव। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।